हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर बायो क्लास बाय इंदु मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू मींस अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, मींस कोई भी सेल का ग्रुप जो एक सा फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज टिश्यू। नाउ द टर्म टिश्यू वॉज कॉइंड बाय मेयर्स। मेयर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले टिश्यू टर्म यूज किया था। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्टडी ऑफ टिश्यूज, की टिश्यूज की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं। जैसे साइंस में अलग अलग तरह की स्टडी को अलग अलग टर्म से यूज़ किया जाता है, तो इसी तरह द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कि टिश्यूज़ की जो स्टडी है उसे साइंटिफिक टर्म में, बायो के टर्म में हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एंड मार्सेलो माल्फिचाई वॉज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी के फाउंडर थे। एंड फ्रैंकोइस ज़ेवियर वॉज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो ये तो हुई कुछ डिटेल्स अबाउट हिस्टोलॉजी एंड टिश्यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। यदि बहुत सिंपल फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यदि हम समझें, तो देखिए कि टिश्यू का क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कि देखा जाए तो टिश्यू बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा टर्म है, बट इट प्ले अ ग्रेट रोल इन अवर बॉडी। कि क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन कंबाइन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन दे फॉर्म टिश्यू। सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू कई सारे एक जैसे टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, या एक से अधिक या अलग अलग तरीके के टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अलग अलग टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट कम्स ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, आपका स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, दीज ऑल आर द सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या हमारी बॉडी बनती है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ अ टिश्यू। ये हमारे टिश्यू का इम्पॉर्टेंस है। यदि टर्म्स में, पॉइंट्स में बात करें तो कैसे लिख सकते हैं हम कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविजन ऑफ लेबर। कि जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि ये अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो दैट इज मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट इज टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, दैट आई हैव टोल्ड यू। एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प इन बेटर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल वो है, लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा देता है। कि आप देखोगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डोंट हैव एनी टिश्यूज, दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। सो इट मीन्स टिश्यूज आर प्रेजेंट ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सो वी विल कंटिन्यू विद अवर प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टमेटिक टिश्यू मीन्स दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, ग्रोइंग पार्ट में, प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं दे आर प्रेजेंट एट द मैच्योरिटी। कि जब मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ अपने डिवीजन कैपेबिलिटी ख़त्म कर देते हैं, व्हेन दे लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट। कि जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं देन दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। नाम से ही समझ आ रहा है, परमानेंट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, दे आर डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। नाउ
मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप के होते हैं ये, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ प्लांट, रूट की जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें ये एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी दे आर प्रेजेंट इन द नोड्स एंड इंटरनोड्स, जो भी प्लांट की नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं उनके बीच में ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। लेटरल दे आर फाउंड ऑन स्टेम एंड दे प्रोवाइड थिकनेस टू द प्लांट, प्लांट की जो थिकनेस होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दैट इज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, और ये तीनों ही उसके ग्रोइंग रीजन में, ग्रोइंग स्टेज पे, ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हेन दे स्टॉप डिवीजन देन दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल टिश्यू अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन टाइप सिंपल के होते हैं और बाकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोयम। ये दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोयम, इनमें से एक वाटर और मिनरल कैरी करता है और दूसरा फूड कैरी करता है, दैट वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, वेरी इलेबोरेटेड टॉपिक है ये, इसे अच्छे से एक्सप्लेन और समझना चाहिए आपको। सो इट इज़ दिस चार्ट ओनली एक्सप्लेन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कंपेरिजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यू। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मेरिस्टमैटिक टिश्यू दे आर फाउंड इन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, वाइल परमानेंट टिश्यू दे लूज देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड दे आर फाउंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। व्हेन प्लांट गेट मैच्योर एंड द सेल्स लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट एज इट्स सेल्स आर स्मॉल इन साइज एंड परमानेंट सेल्स आर लार्ज इन साइज। Why? Because they are developed. कि ये initial stage में होते हैं और ये final stage में होते हैं, तो cells जो हैं वो अपना size gain कर लेते हैं and they are comparatively large in size. In meristematic tissue, vacuoles are absent. क्यों? क्योंकि तब plant जो है वो growing stage में होता है and vacuoles, their function is storage of food. Storage की food की ज़रूरत कब पड़ती है? जब plant बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। सो देयरफॉर एट दैट टाइम वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन मेरिस्टमैटिक टिश्यू व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। एंड लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज लार्ज इन साइज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का मैंने आपको पहले ही बताया था व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें कि न्यूक्लियस का क्या मेन फंक्शन होता है। इट्स फंक्शन इज टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सेल का, सेल की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इसका रोल होता है। तो मेरिस्टमैटिक स्टेज पे, जब ग्रोइंग स्टेज पे प्लांट होता है तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, देयरफॉर न्यूक्लियस इज लार्ज इन साइज, व्हाइल इन परमानेंट टिश्यू इट इज स्मॉल इन साइज। क्यों? क्योंकि उसकी डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यू। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। आई हैव टोल्ड कि परमानेंट टिश्यू इट इज़ ऑफ थ्री टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड वन मोर इज देयर स्पेशल। ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा जो है वो कैसा होता है?
इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स से बनता है पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू होते हैं दे आर लिविंग सेल्स एंड दे हैव इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन दैम. इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस होती है. दे आर ऑफ एनी शेप. ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है या पॉलीगोनल हो सकता है. दे आर फाउंड इन स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. इनका फंक्शन होता है दे प्रोवाइड फर्मनेस टू द प्लांट. प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज दे स्टोर फूड एंड ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स. फूड को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करने का काम भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू करते हैं. एंड लास्ट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मींस दे आल्सो टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. दीज आर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. नाउ वी मूव टुवर्ड्स कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइव सेल्स. ये भी लाइव सेल्स से बने होते हैं बट देयर सेल्स आर एलोंगेटेड. सो आप इस वीडियो में इन दोनों के बीच का, इस चार्ट में आप इनके बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं. यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा, और यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, और यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. किसी के बीच का भी डिफरेंस आप एक ही चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं. नाउ कॉलेनकाइमा, इट इज मेड अप ऑफ लाइव सेल्स वाइल एंड द सेल्स आर एलोंगेटेड. जबकि इसके सेल्स कैसे थे? ओवल, राउंड और पॉलीगोनल. नाउ दे ऑल्सो हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम. देन दे प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ये भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब प्लांट ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसे स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट, देयर फंक्शन इज दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च. शुगर और स्टार्च को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा. कि जैसे मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा कैसे लाइव सेल से बने होते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. कि इस एज तक या इस स्टेज तक पहुँचने तक जो सेल्स हैं दे बिकम डेड, उनका काम खत्म हो जाता है. बट स्टिल दे आर प्रेजेंट बिकॉज दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. की डेड सेल्स भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. दे डू नॉट हैव इंटर सेलुलर स्पेस, मीन्स दे आर टाइटली पैक्ड. बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ये. एंड दे फॉर्म कोट ऑफ सीड्स एंड नट शेल. ये कभी कभी पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन हार्ट सेल और नट शेल. ऑल्सो इन कोकोनट का जो हस्क होता है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. सो दैट इज़ द कंपेरिजन और क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दे आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. एंड दे बोथ आर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स कंडक्टिव टिश्यू होते हैं. ये कंडक्शन का काम करते हैं. जाइलम, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट, वाइल फ्लोएम इट कंडक्ट फूड मटीरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब ये किस किस से मिलके बनते हैं? जाइलम, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. इन चारों से मिलके बनता है ये. यस, इट इज नॉट थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट, इट इज फोर बेसिक कॉम्पोनेंट्स. दैट इज ट्रैकेट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, फंक्शन ऑफ जाइलम इज इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. ये आप आगे पढ़ेंगे, यू विल स्टडी इन टेंथ क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे. जो ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर आएगा आपका, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ जाइलम एंड फ्लोएम वर्क, हाउ दे कंडक्ट फूड एंड वाटर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अभी सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखें कि ये क्या होते हैं, किस से बने होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट इज फ्लोएम. फ्लोएम इट इज़ मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. एंड देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट.
सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू.